हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस मैट्रिक्स। तो जैसा कि हम जानते हैं, हमारे द्वारा 3 एडिशनल स्कॉर्पियन क्लास की सबमरीन्स ले जानी है, जिसको लेकर एक अपडेट निकलकर सामने आया है। तो ये जो 3 एडिशनल स्कॉर्पियन क्लास की सबमरीन्स लेनी है, इनको लेने के लिए जो कॉन्ट्रैक्ट है, ये 2024 के अंत तक कंक्लूड किया जा सकता है, यानी कि करीबन एक साल अभी इसमें लगेगा। और इन सबमरीन्स की जो डिलीवरी है, ये 2031 से पहले चालू नहीं हो पाएगी। साथ ही साथ यहाँ पर यह भी कहा गया है कि अगर DRDO द्वारा AIP सिस्टम प्रोवाइड करा दिया जाएगा, तो उन सबमरीन्स में वो पहले से लग कर आएगा। तो अभी तक फ्रांस में जो साइन हुआ है, ये मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग है। तो जब पहले स्कॉर्पियन क्लास की डील हुई थी 2005 में करीबन $3.75 बिलियन में, जिसके अंतर्गत करीबन 6 सबमरीन्स हमारे द्वारा बनाई गई, यहाँ पर ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी हुआ था, साथ ही साथ कुछ परसेंटेज में इंडिजिनस कॉम्पोनेंट्स को यूज़ किया गया था। तो जो ये 3 एडिशनल सबमरीन्स होंगी, इनमें इन इंडिजिनस कंपोनेंट्स को लेकर वृद्धि करी जाएगी, जिसके अंतर्गत जो AIP सिस्टम लगेगा, वो तो इंडिजिनस कंपोनेंट के परसेंटेज को बढ़ाएगा ही, साथ ही साथ यहाँ पर जो कॉम्बैट मैनेजमेंट सिस्टम लगेगा, ये भी इंडिजिनस परसेंटेज को बढ़ाएगा। बाकी जहाँ तक कैस लगाए जा रहे हैं, यहाँ पर और बड़े डिफरेंस नहीं होंगे, ये काफ़ी आइडेंटिकल होगी उन स्कॉर्पियन क्लास की सबमरीन्स से जो कि हमारे द्वारा पहले से बनाई गई हैं। कुछ जगह ये कहा जा रहा था कि यहाँ पर VLS को, यानी कि वर्टिकल लॉन्चिंग सिस्टम को भी दिया जा सकता है ब्रह्मोस जैसी मिसाइल्स को लॉन्च करने के लिए, पर उसके चांसेस यहाँ पर कम नज़र आ रहे हैं। हाँ, एक पॉसिबिलिटी यहाँ पर एग्जिस्ट करती है कि हो सकता है ट्यूब लॉन्च्ड MDCN मिसाइल को यहाँ पर इंट्रोड्यूस किया जाए। ये MDCN मिसाइल स्कैल्प या फिर स्टॉर्म शैडो मिसाइल का एंटीशिप वर्जन है, जो कि इन सबमरीन्स की 533 mm, इनकी 533 mm टोरपीडो लॉन्च ट्यूब से लॉन्च करी जा सकती है। तो वो भी काफ़ी कैपेबल मिसाइल है, ऑल दो ब्रह्मोस जितनी कैपेबल नहीं है, पर फिर भी उस मिसाइल को यूज़ करते हुए सरफेस वेसल्स को या फिर सरफेस टारगेट्स को स्ट्राइक करने की कैपेबिलिटी इन सबमरीन्स को मिल जाएगी। बाकी ये रिपोर्ट भी आ रही है कि 2024 के अंत से या फिर 2025 के अंत से जो स्कॉर्पियन क्लास की पुरानी सबमरीन्स हम यूज़ करते आ रहे हैं, इनको रिफिट किया जाना चालू किया जाएगा AIP सिस्टम से। तो इसको लेकर L&T को पहले ही कॉन्ट्रैक्ट दिया जा चुका है और इन AIP सिस्टम के अंडर वाटर टेस्टिंग की भी तैयारी करी जा रही है। तो मोस्ट लाइकली यहाँ पर 2024 के एंड से ऐसा मानकर चला जा रहा है कि तैयारी कर ली जाएगी कलवरी क्लास की सबमरीन्स को इन AIP सिस्टम से अपग्रेड करने की, लेकिन अगर फिर भी थोड़ा डिले होता है तो 2025 के एंड से ऐसा करना चालू कर ही दिया जाएगा। बाकी प्रोजेक्ट 75i के कंक्लूजन की बात करें, तो यहाँ पर भी चीज़ें आगे बढ़ी हैं। जर्मन कंपनीज़ ने और स्पेनिश कंपनीज़ ने अपने अपने पार्टनर्स के साथ अंडरस्टैंडिंग को एस्टेब्लिश किया है और वो साथ में ही यहाँ पर बिड करने वाले हैं। तो मोस्ट लाइकली प्रोजेक्ट 75i का कंक्लूजन भी हम 2 से 3 सालों में देख सकते हैं, पर मोस्ट लाइकली वो सबमरीन हमें 2032-35 से पहले नहीं मिलने वाली। तो बहुत ज़रूरी है कि जो हमारे पास सबमरीन अवेलेबल हैं, जिसमें शिशुमार क्लास की सबमरीन्स हो गई, उसके बाद जो किलो क्लास की सबमरीन्स हो गई, इनको भी हम अपग्रेड करें मॉडर्न AIP सिस्टम से, ताकि ये रिलेवेंट रह सकें आने वाले करीबन 10 सालों के लिए। और साथ ही साथ हमें ये भी कोशिश करनी पड़ेगी कि इनके वेपन्स को भी रिलेवेंट रखा जा सके। तो हमारे द्वारा इंडिजिनस टोरपीडोज को तो डेवलप किया ही जा रहा है, साथ ही साथ स्कॉर्पिन के लिए हमें एडवांस टोरपीडोज को दोबारा से कंसिडर करना चाहिए। तो इटालियन लियोनार्डो ग्रुप को हमने ब्लैकलिस्ट कर दिया था, जिसकी वजह से इनके जो ब्लैक शार्क टोरपीडोज हैं, इनको हम एक्वायर नहीं कर पाए थे अपनी स्कॉर्पियन सबमरीन्स के लिए। तो ब्लैक शार्क टोरपीडोज अपनी कैटेगरी में वन ऑफ द बेस्ट हैं और ये स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन्स को काफ़ी ज़्यादा कैपेबल बनाएंगे, लेकिन ज़्यादा चांसेस यहाँ पर फ्रेंच F-21 टोरपीडो को कंसिडर करने के हो सकते हैं, क्योंकि स्कॉर्पियन क्लास की सबमरीन्स फ्रांस से ही आती हैं और ये टोरपीडो भी फ्रेंच हैं और कैपेबिलिटी में ये ऑलमोस्ट नेक और नेक चलते हैं ब्लैक शार्क टोरपीडो के। बात करें अगर इंडिजिनस टोरपीडो की, तो हमारे वरुणास्त्र भी काफ़ी ज़्यादा कैपेबल टोरपीडो हैं, पर अगर परफॉर्मेंस नंबर्स को आप देखेंगे तो इसमें जो ब्लैक शार्क और F-21 टोरपीडोज हैं, ये थोड़ा सा ऊपर आते हैं। तो ये जो F-21 टोरपीडोज हैं, ये एक्चुअली काफ़ी नए टोरपीडोज हैं, 2018 से ही सर्विस में है। तो इंडिया ने जब कलवरी क्लास की सबमरीन्स एक्वायर करना चालू किया, ये उसके बाद सर्विस में आए हैं, तो ये एज अ स्टैंडर्ड नहीं थे, पर अब हम इन्हें लेने का कंसीडर कर सकते हैं। साथ ही साथ MDCN मिसाइल्स को भी लेना हमें कंसीडर करना चाहिए, क्योंकि इन सबमरीन्स में VLS ट्यूब्स नहीं है जहां से हम अपनी ब्रह्मोस को लॉन्च कर सकें। आई होप इन्फॉर्मेशन यहां पर क्लियर रही हो। इसी बात पर इस वीडियो को हम खत्म करेंगे। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।